वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो यही चाहते जिनका एपिसोड शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो एपिसोड पूरा देखना। तो चलिए जानते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा जहाँ पर रोशनी अमन से कहते हैं कि मुझे पत्थर ऐसा क्यों लग रहा है खान बाबा की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। उसी वक्त दिखाया जाता है रोशनी एक कांच के शीशे में जो रहता है उसमें बंद हो जाती है और फिर काफ़ी डर जाती है। अमन जो है उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ करता हूँ। फिर दिखाया जाता है अमन बाजीगर को बुलाता है और फिर उस कांच पर अपना मैजिक करता है। वही अमन के मैजिक का कोई असर नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ताबीजी वहीं पर रहती है और एक सोफे पे बैठी हुई रहती है और काफ़ी हंस रही होती है अमन के ऊपर। और फिर अमन से कहती है क्या हुआ अमन, तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा है, सॉरी तुम्हारा जादू यहाँ काम नहीं करेगा। रोशनी को बचाने के लिए तुम्हें इस चाबी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर ताबीजी जो है वो कहती कि रोशनी मरने के लिए तैयार हो जाओ और फिर एक रिमोट से बटन दबाते हैं जिससे जो कांच के शीट में रोशनी बंद होती है वहाँ से नीला धुआं आना स्टार्ट हो जाता है। भाई शायरी वो नीला धुआं देखती है और फिर अमन से कहती कि अमन भाई नीला धुआं ताबीजी ने कहा था इसी से वो रोशनी को मारेगी। उसे अमन कहता है ताबीजी से कि ताबीजी क्यों कर रही हो ये सब। तो उसे रियान घड़ी देखता है और फिर कहता है कि भाई अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और इन सब बातों का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप तलवार को बुलाइए और भाभी की जान बचाइए। यहाँ पर रोशनी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और ताबीजी कहती कि तलवार। भाई अमन सिंसा करके तलवार को मंगा लेता है। ताबीजी शॉक हो जाते कि तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। वही शायरी जो है वो कह रही थी कि अमन भाई ताबीजी ने खुद बताया था कि रोशनी की जान बचाने का एक ही तरीका है और वो है ये चाबी और ये शील्ड आप सिर्फ अपनी तलवार से ही तोड़ सकते हैं, तो प्लीज जल्दी कीजिए। उसी वक्त ताबीजी जो है वो शायरी से कहती कि शायरी तुम इन लोगों के साथ मिली हुई हो, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, इसका मतलब तुम सब लोग मिले हुए हैं, तुम लोग सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। अमन ताबीजी से कहता है कि ताबीजी मैं आपको मारना नहीं चाहता है, बस चाबी दे दो। ताबीजी अमन को चाबी दिखाते हैं। अमन कहता है ताबीजी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ रोशनी को छोड़ दो या फिर वो चाबी मुझे दो। वही ताबीजी अमन से कहते हैं कि तुम्हें ये चाबी नहीं मिलेगी चाहे कुछ भी कर लो। उसी वक्त दिखाया जाता है रोशनी को एक चीज़ याद आ जाती है ताबीजी के बारे में जो कि वो कहती है कि जब भी मुझे कुछ दिमाग में सोचना होता है तो वो सवाल मैं अमेजिन की किताब में पूछती हूँ और वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है। वही फिर दिखाया जाता है रोशनी जो है वो अमन को रोकने की कोशिश करती क्योंकि वो समझ जाते कि ये पूरी ताबीजी की चाल है। यहाँ पर अमन जो है वो तलवार से ताबीजी के ऊपर वार करता है और फिर दिखाया जाता है ताबीजी जो है वो अपना चेयर घुमा देते और वहाँ पर पहली जो बड़ी सबसे बड़ी आयारा रहती है उसको वहाँ पर उसने बांधना हुआ रहता है और वो तलवार जाके बड़ी आयाना के ऊपर लग जाती है। वही फिर दिखाया जाता है कि बड़ी आयाना जो है सबसे वो गायब हो जाती है, धुआं हो जाती है। यहाँ पर रोशनी की जो शीट लगाई हुई रहती है कांच की वो भी गायब हो जाती है। फिर अमन रोशनी के पास आता है, रोशनी को गले लगाता है। यहाँ पर ताबीजी जो है उठकर उन लोग के पास आ जाती है। फिर ताबीजी कहते हैं या अल्लाह अमन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो आयाना कुबे की सबसे बड़ी आयाना को मार दिया, तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हारी तलवार भी छिन जाएगी। तुम्हें नहीं समझ में आया ना ये सब क्या हुआ, मैं समझाती हूँ। फिर ताबीजी कहते कि मुझे पता था कि तुम लोगों को मेरे ऊपर शक हो गया है और मेरा सच जान चुके हो और ये मैं ये भी जानती थी कि तुमने वो शरबत नहीं पिया था, इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हें कचरा जिन मैंने बनाया था। तुम खेल खेलते गए और मैं उस खेल का हिस्सा बन गई और मैंने वो खेल चलने दिया, इसीलिए मैंने शायरी से पूछा कि क्या तुमने वो सारी तैयारी कर ली है। और इस बेवकूफ ने कहा कि हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली है, जबकि मैंने नताशा को कोई भी तैयारी करने नहीं कहा था। मैं समझ गई कि ये नताशा नहीं है, ये शायरी है, इसीलिए मैंने इसे रोशनी को मारने का झूठा प्लान बताया क्योंकि मैं जानती थी ये तुम लोग को आकर सब कुछ बता देगी। तो अमन कहता है झूठ था, मतलब आप रोशनी को मारना नहीं चाहती थी। ताबीजी कहती है कि ये कहो कि मैं मार नहीं सकती क्योंकि एक आयाना दूसरी आयाना की जान नहीं ले सकती। मन पूछता है क्या इसका क्या मतलब, तो ताबीजी कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुमने अपनी तलवार ढूंढी है। नहीं अमन, मैंने तुम्हें तुम्हारी तलवार तक पहुँचाया था, जानते हो क्यों, क्योंकि तुम उस आयाना को मार सको क्योंकि ये मेरे रास्ते में सबसे बड़े कांटा बन गई थी। इसे मारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी क्योंकि आयाना होने के नाते मैं इसे नहीं मार सकती थी। फिर रोशनी पूछती है इसका मतलब आप आयाना है, तो ताबीजी कहती है हाँ सदियों से, और इस वक्त जो तुम्हारे अंदर फरिश्ते का दिल धड़क रहा है वो मेरा है और मुझे मेरा दिल चाहिए था, लेकिन तीनों आयाना मेरे रास्ते में आ रही थी। उन दोनों आयाना को तो मैंने मना लिया लेकिन ये सबसे सीनियर आयाना ये नहीं मान रही थी, मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना था। शुक्रिया अमन जो तुमने मेरा काम कर दिया इसे रास्ते से हटाकर।
और तुम्हें क्या लगता है अमन, तुमने रोशनी की ज़िंदगी बचाई? नहीं, बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी मेरे हवाले कर दी। ये सारी बातें सुनकर सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर अमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है सारा परिवार वहाँ पर आ जाता है, जैसे कि अमन की बहन, दादी, फूफी सब वहाँ पर आ जाते हैं। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, सुनहरी सूरज की रात को मैं अपने फरिश्ते का दिल लेकर ही रहूंगी। फिर ताबीजी रोशनी से कहती है कि रोशनी मुझसे तो मुझ मेरे साथ तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे मेरा फरिश्ते का दिल चाहिए और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। वही अमन ताबीजी से कहता है कि ताबीजी हमें नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन रोशनी के अंदर जो दिल धड़क रहा है वो रोशनी का ही है। वही फिर दादी ये सारी बातें सुनकर ताबीजी के पास आती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो रूबीना, ये तुम नहीं हो, तुम हमेशा ही इस फैमिली की मदद करते आई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो, शायद तुम पर किसी काली ताकत का असर हो रहा है जो कि तुम ये सब कर रही हो, ऐसा कह रही हो। तुम ये नहीं हो रूबीना, तुम ये नहीं हो। तो जो ताबीजी है वो दादी का हाथ जो है वो अपने ऊपर से निकाल देती है और फिर कहती है कि ये मैं ही हूँ। आपको इसके लिए यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं एक अयाना हूँ। ये बात सुनकर सारे घर वाले काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर ताबीजी जो है वो अपनी कहानी बताती है कि सदियों पहले मैंने काले जिन के साथ एक जंग लड़ी थी जिसमें मैं हार गई थी। मुझसे मेरे फरिश्ते का दिल छीन लिया गया था जो इस वक्त रोशनी के अंदर धड़क रहा है। इतने सालों से मैं आप लोगों की मदद नहीं कर रही थी बल्कि मैं अपनी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं काले जिन के साथ बदला लेना चाहती थी, मैं उसे खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि उसी ने मेरे फरिश्ते का दिल कहीं पर छुपा दिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे अयाना कुंबे के तीनों अयाना ने मेरा दिल निकाला और उसे रोशनी के अंदर डाल दिया। फिर अमन कहता है कि पर ताबीजी इसमें रोशनी का क्या कसूर है? तो ताबीजी कहते हैं फिर मेरा क्या कसूर था, मैंने काले जिन के साथ जंग लड़कर कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, मेरा फरिश्ते का दिल निकाल कर रोशनी को दे दिया। वही फिर सलमा जी आगे आ जाती है, ताबीजी को कहते कि तुम रोशनी से उसका फरिश्ते का दिल लेकर क्या करने वाली हो और कौन सा बदला लेने वाले, हम सब एक परिवार है और परिवार से कोई बदला नहीं लिया जाता। वही ताबीजी कहते फैमिली, कौन सी फैमिली, जरा पूछो इन लोगों से, कभी इन्होंने हमें मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा माना? जब मैंने जुनैद से शादी की थी तभी मुझे उसके इरादों के बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि उसने मुझसे शादी अपने मतलब के लिए की थी और जब मतलब खत्म हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तब कहा थी ये फैमिली कहा थी और ये घर मेरा घर है, लेकिन जुनैद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। तब कहा थी ये फैमिली, मैंने हर मुसीबत में इनका साथ दिया, इन्हें हर एक मुसीबत खतरे से इन्हें बचाया, यहाँ तक कि अपनी जान भी इन लोगों के लिए खतरे में डाल दी, और बदले में मैंने कभी भी इनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूँगी और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि आज अमन के पास ना ही उसकी तलवार है, ना ही रोशनी के पास उसके क्लिप और ना ही आपके पास ताबीजी। भाई अमन ताबीजी से कहता है कि आप गलत हो ताबीजी, हमारी ताकत मेरी तलवार या रोशनी के क्लिप्स नहीं है, हमारी ताकत हमारी फैमिली है और जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ में है तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता, और आप तो ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब भी हमारे फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा आया तो हम सब एक साथ थे। और फिर अमन कहता है कि हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बाद बात में, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फैमिली हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अब आप अगर इसके खिलाफ खड़ी हो तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, हमारा नहीं। ताबीजी हंसकर अमन से कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हारी ये गलत फहमी मैं सुनहरे सूरज की रात को तोड़ दूंगी, क्योंकि वो रात रोशनी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तो अमन कहता है ये तो वक्त ही बताएगा ताबीजी कि वो रात अपने साथ किसका अंत लेकर आती है। और फिर दिखाया जाता है ताबीजी जो है वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है दादी, रिहान और अमन के रूम में रहते हैं और फिर अमन कहता है कि ये लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई होगी क्योंकि जो दुश्मन है वो बाहर वाला नहीं है, उसे हमारे ताकत का भी पता है और हमारे कमजोरी का भी। भाई रियान कहता है कि वैसे ताबीजी सही कह रही थी, आपकी तलवार के बिना और हमारे रोशनी के क्लिप्स के बिना हमारी ताकत अधूरी है और उसे कैसे वापस लेना है वो भी ताबीजी ही जानती है और वो तो ताबीजी हमें कभी बताएगी नहीं। ताबीजी बहुत ही स्मार्ट है, उनके पास हर एक ट्रिक, हर एक खतरे का जवाब होता है। वही दादी जो है वो कहती
के हर खतरे का जवाब रूबीना के पास नहीं है, हर सवाल का जवाब रूबीना के पास नहीं है बल्कि एमए जिन में है। रूबीना की असली ताकत एमए जिन में है। तो रियान कहता है कि अब दादी आपका कहने का मतलब हमें एमए जिन छुड़ा लेना चाहिए। तो दादी कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो रूबीना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उसे सेफ ही रखेगी, बल्कि हमें गुमराह करने के लिए उसने एमए जिन को बदल दिया भी होगा, इसलिए एमए जिन को चुराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो रियान कहता है दादी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी कोई कॉपी हो। तो अमन कहता है तुम्हें पता है क्या कुछ? फिर रियान कहता है कि शायरी के उस्ताद जी को शायद से पता हो सकता है। भाई अमन कहता है कि फिर ठीक है तुम जाकर वो कॉपी ढूंढो, शायद उसमें कुछ बचने का रास्ता हो सकता है। और फिर दादी कहती है कि शायरी को भी अपने साथ लेकर जाना। उसी वक्त वहाँ पर रोशनी आ जाती है और फिर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी करने की जरूरत कुछ भी नहीं है प्लीज। और रोशनी थोड़ी दूर आगे बेड की तरफ अरमान को रखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर अमन जो है वो रियान को इशारा करता है जाने के लिए और फिर रियान वहाँ से चला जाता है और फिर दादी भी चली जाती है। रोशनी जो है अरमान को रखती है चूल्हे में और फिर अमन से कहती है कि आपको क्या मैं बुद्धू लगती हूँ, मुझे पता है कि वो अमेजिन की किताब की कॉपी लेने चला गया है। वही अमन कहते हैं कि रोशनी हम आपको बुद्धू नहीं समझते लेकिन हमारा ताबीज़ से जीतना भी बहुत ज़रूरी है। तो रोशनी कहती कि हार जीत लड़ाई बदला यही जिंदगी है क्या खान बाबा? अल्लाह नूज बेस्ट खान बाबा, मैं थक चुकी, बहुत थक चुकी हूँ, अभी तो मुझे ये भी याद नहीं कि हम हमारी फैमिली के साथ कब खुश थे। भाई अमन को कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे? तो अमन के सॉरी रोशनी कहती कि कुछ गलत नहीं सोच रही खान बाबा, हम लड़ते फिर जीतते, फिर लड़ते फिर जीतते और फिर कोई और नया पैदा हो जाता है। इन सब से थक चुकी हूँ खान बाबा और क्या गारंटी है सुनहरे चांद सूरज की रोशनी को ये सब ठीक हो जाएगा? तो अमन कहता है फिर क्या करे, रोशनी हार मानकर बैठ जाए। वही रोशनी कहती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हमारी फैमिली में किस चीज़ की कमी है? हमारी इतनी अच्छी फैमिली है, हमारा एक क्यूट सा बेबी है और मेरे पास आप भी हैं। मैं इन खुशियों को जीना चाहती हूँ खान बाबा, मैं अगर इसके लिए मेरे हाथ में सुनहरी सूरज की रात तक ही अगर वक्त है तो मुझे मंजूर है। तो अमन कहता है मुझे मंजूर नहीं है रोशनी, जैसे कि लाइफ देखना चाहता हूँ, अपने के आपके साथ जीना चाहता हूँ, आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ, बहुत कुछ देखना चाहता हूँ जैसे कि। तो रोशनी पूछते है जैसे कि क्या? फिर अमन कहता है जैसे कि आपके मुंह पर झुरिया, आपके सफ़ेद बाल। तो रोशनी वापस अमन के साथ झगड़ा करने लगती है और कहते हैं कि बाल को कलर किया जाता है और फेस के लिए अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट आती है, आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप छूटे हो जाएंगे और झुन झुक के चलेंगे तब बाजी को बुरा कर थी अम्मी पा नहीं बल्कि ऐसे लाठी पकड़ कर थी अम्मी पा करोगे। अमन कहता है अच्छा तो आपके ये स्ट्रांग डोले जब ठीक हो जाएंगे तो आप अपने पोते पोतियों को कैसे उठाओगे? रोशनी कहती है कि मेरे स्ट्रॉन्ग डोलों का कुछ नहीं, आप अपना सोचिए, जब आपके सारे दांत गिर जाएंगे तो आप स्माइल कैसे करेंगे? तो अमन कहता है कि मैं तभी भी स्माइल करूंगा क्योंकि उस वक्त आप मेरे साथ होगे, आपका साथ मेरे साथ होगा और मैं उस वो दिन देखना चाहता हूँ और आखिरी साथ तक मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं। और वो दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वही कल के आने वाले एपिसोड में पता चलेगा रोशनी को कि ताबी जी उसकी फूफी है और अमन को पता चलेगा कि वो उसके जो अबू है उनको, मतलब रोशनी के अम्मी और अबू है उन्हें अमन के अबू अब्दे ने मारा था जिस वजह से अमन उनका खूनी खुद को मानता है। फिर अमन रोशनी से कहता है कि जो गुना मेरे अबू ने आपके अम्मी अबू के साथ किया है उसकी माफ़ी मैं कैसे मांगूंगा आपसे। तो आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।